मैं यहाँ पे पटरी पे बैठता हूँ, हम यहाँ पे पटरी पे बैठते हैं। कल वो चार पांच दिनों से हमारे साथ ज्यादतियाँ होती जा रही है, हमारे मालों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारी कोई बात पहुँचे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है हमारे मसलों से। उन्होंने हमें बुलाया था लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा है। दिन ब दिन हमारे साथ जुल्म बढ़ता जा रहा है। अब एक ही हमारे पास एक ही ये है, हम अपने जो घर वाले हैं उनको भी मार दे और ख़ुद को भी मार दे, क्योंकि रोज़ ब रोज़ हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती बढ़ती जा रही है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये करना क्या चाहते हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, ये दहशतगर्दी ये क्या है, क्या नहीं है। लेकिन इसीलिए अब हम मजबूर हो गए। अब हमें लगता है कि हमें या तो अच्छा है तो हमारी अपने खुदकुशी कर ले, अपने परिवार को जहर ही दे दे और खुद ही मर जाए, क्योंकि इनकी कानून के पास हर कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आवाज़ होने हम खाली आवाज़ उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें दिन ब दिन दबाया जा रहा है। ये जो IGP इनका है नया, वो बसंत राव, वो हमें रोज़ ब रोज़ नुकसान होते जा रहा है। म्यूनसिपलिटी में इसका खास तौर रोल है SMC का, वो भी बहुत सारे परसों से 2-3 लाख रुपया, लेकिन यहाँ से अमीरागंज से लेकर हरिसिंगगंज तक नुकसान किया गया है। अब हमारे मुझे लगता है हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है।